आज पुणे सिटी में 1000 स्क्वायर फीट में घर बनाना बहुत मुश्किल का सबब बन रहा है। स्पेशली देखिए, आज जगह खरीदने में हम गधे बनते जा रहे और लोग फंसाते जा रहे और जगह खरीदने में पसीने छूट रहे। मगर ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो आपको पूरा पता लगने वाला, क्योंकि आज स्पेशली वीडियो हिंदी में है। तो कृपया करके आज का वीडियो पूरा देख। जय महाराष्ट्र, जय जय पुणे। सही बातें जो आपने जो सुना है, हाँ जी, जो टाइटल में आपने सुना है या स्टार्टिंग में आपने जो भी बातें सुनी है वो सब कुछ बराबर है, क्योंकि आज का वीडियो जो है पुणे प्रॉपर्टी व्यूज पे हिंदी में है। मैं कासिम शेख आप सभी का स्वागत करता हूं पुणे प्रॉपर्टी व्यूज में। मेरे भाई और बहनों, आप लोगों की जीत के ऊपर आज का वीडियो हमने हिंदी में बनाया है, क्योंकि काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी में बनाइए। चलिए, आज आपके लिए स्पेशली हिंदी में वीडियो है, तो लाइक बटन, शेयर बटन और चैनल को सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। मैं आज देखना चाहता हूं कितने लोगों को हिंदी में ये वीडियो पसंद आता है। उसकी बिना के ऊपर नेक्स्ट प्रॉपर्टी का वीडियो भी हम आपके लिए लाने वाले हैं। सही बात है, स्टार्टिंग में जो हमने जो टाइटल में बोला है वो सही बात है। इंसान जो है मूर्ख बनता जा रहा है, गधा बनता जा रहा है और डर रहा है कि जगह नहीं खरीदनी है। अब जगह क्यों नहीं खरीदनी है, क्या वजह क्या है इसके ऊपर देखिए। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल, दिल पे पत्थर रखते हुए ये कुछ लफ्जों का उपयोग हमने किया है। नहीं करना चाहिए था मगर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो है जगह खरीदने में हिचकिचाते हैं और डरते हैं कि जगह नहीं खरीदनी है। मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे वाले हैं, वो जगह लेते हैं और बेचते रहते हैं और पैसा कमा रहे। मगर जो गरीब इंसान है जिनको घर खरीदना है वो बस बैठा है कि उसको पुणे में ही घर लेना है। अब पुणे में मिल जाता है यार 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख में या 50 लाख में भी मिल जाता है पुणे में, मगर वो इंसान वापस से वो घर बेचने के पीछे उतारू हो जाता है। अब ये घर मिलता है कहां पे, झोपड़पट्टी एरिया में ही मिलता है। अगर अच्छा सही घर होगा तो वो क्यों 2 साल भर में वो घर बेचेगा, जवाब दीजिए आप मुझे। देखिए, एक तो पहला तो आप लोग पहला वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, आपको वीडियो पूरा देखना है आज का स्पेशली, क्योंकि मैं आज जो बात कर रहा हूं ना सही बात कर रहा हूं। देखिए, 50 लाख भी आप देंगे ना तो पुणे जैसे सिटी में झोपड़पट्टी में ही मिलने वाला है, आपको पर्सनल रो हाउस नहीं मिलने वाला। देखिए, कल एक कॉल आया था मुझे साहब का, साहब से मैंने बात की, साहब ने बोले कि मुझे घर चाहिए, 1 घंटे में बना हुआ घर चाहिए। अब मेरी गलती हो गई शायद से कि मैंने उनको बजट नहीं पूछा। तकरीबन मेरी 5-7 मिनट बात हुई साहब से और साहब से यह मालूम पड़ा कि वो आलंदी में लेना नहीं चाहते घर। मैंने उनको वागोली में भी बोला कि वागोली में भी आपको, और मेरा पॉइंट मुद्दा वही था कि सर एक गुंटा जगह लेके आप आपका घर का बांधकाम कीजिए। मगर वो क्या बोल रहे थे कि मेरा जॉब जो है स्टेशन के करीब है, साहब का जॉब। मैंने उनको बहुत समझाया, मैंने बोला कि सर देखिए, आप जो लेना चाहते हैं पुणे में, पुणे स्टेशन से 10 किलोमीटर आजू बाजू, तो ये आपका देखिए 10 लाख से लेके 50 लाख तक आपका जो भी बजट आपने बनाया वो झोपड़पट्टी का ही होगा। मैंने क्लियर बता दिया, वो मानने के लिए ही तैयार नहीं। फिर बहुत 7 मिनट के बाद में मैंने पूछा कि सर आपका बजट क्या है, वो बोले 50-60 के आसपास। मैं बोला उनको कि सर आप एक 1 BHK या 2 BHK भी आप लेंगे तो पुणे में विमान नगर एरिया है, कल्याण नगर एरिया है, 1 BHK फ्लैट जो है यहाँ पे 40-45 लाख के आसपास 1 BHK मिलते हैं। मैं अच्छी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, मिल जाते 20-25-30 में भी मिल जाते, मगर मैं स्टैंडर्ड हाई लेवल की सोसाइटी के बारे में बात कर रहा हूँ। 2 BHK का जो फ्लैट है, कल्याण नगर हो, विमान नगर हो, 1.5 करोड़ में मिल रहा है, जाके चेक कर लीजिए, वरना आप लोग कुछ भी लिखना चालू कर देंगे कमेंट में। तो मैंने उनको क्लियर बोला,
मैं बोला आपको एक गुंटा 1000 स्क्वायर फीट की आपको जगह लेनी है, उसके ऊपर आपको 2 BHK के अलग अलग 20 फ्लोर पर आपको घर बनाना है, और आप बोल रहे हैं कि 50-60 लाख के अंदर होना चाहिए। तो सर ये हो नहीं सकता है, क्योंकि अभी का जो वक्त चालू है यहाँ पे एक गुंटा भी जगह अगर जेवी वाले को मिलती है तो वो अपनी बिल्डिंग खड़े कर देते हैं। अभी मान के चलिए कि एक 2 दिन पहले हमारी एड चल रही थी इसके ऊपर, लगा तो आप चेक कर सकते हैं वीडियो, 500 स्क्वायर फीट में एक घर है बना हुआ, पुणे एयरपोर्ट रोड के पास है, वो 75 लाख तक देना है, 80 बोले थे उन्होंने, 75 लाख तक आपको मिल सकता है। मगर वहां पे क्या है पता है आपको, कि नीचे 15,000 आ रहा है, ऊपर 9 आ रहा है, उसके ऊपर 9 आ रहा है, और हॉल किचन की भी तैयारी चालू है 6,500 की, ये सब रेंट आ रहा है ओनर को। तो ये घर का मीन्स यहाँ पे पुणे के 5 किलोमीटर एरिया में रेडिएशन में, तो ये रेट चालू है एक 500 स्क्वायर फीट की जमीन के ऊपर बंधा हुआ घर। तो आप सोचिए एक गुंटा 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर वो बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, वो घर बनाना चाहते कितने में जाएगा। मैंने उनको डायरेक्टली एस्टिमेट दे दिया, ये 2-2.5 करोड़ का मामला है सर, 50-60 लाख में नहीं होगा। हाँ आप चाहते हैं कि 50-60 लाख में आपको मिलना चाहिए प्रॉपर्टी और ऐसा, तो देखिए हमारे पास सनसवाड़ी का शिकरापुर के पास, शिकरापुर अलग है सनसवाड़ी उसके पहला है, तो 10 लाख में आपको 1000 स्क्वायर फीट की जगह मिलेगी, बिल्कुल बेहद रोड टच मिलेगी, एकदम रोड टच वागुली और स्टेशन जो पड़ता है वहां से 30 किलोमीटर स्टेशन पड़ता है पुणे रेलवे स्टेशन। अभी देखिए आपने लेट कर दिया, अगर आप कुछ साल पहला बोलते हो, एक 10-15 साल पहला अगर आ गए थे तो आपको वागुली में या खराड़ी के तरफ भी आपको मिल गई इसकी प्रॉपर्टी। मगर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 10 लाख में आप जगह लीजिए, 40 लाख का आप कंस्ट्रक्शन कीजिए, 40 से 50 लाख का तो आपका अच्छा खासा घर बन जाता है, इंडिपेंडेंट हाउस एक 50 लाख में भी। आप सोचिए मत, अभी वक्त है, वो बोले बहुत दूर होता है, बहुत लंबा होता है, मगर मेरे भाई और बहनों ये बात जो कर रहा हूं ना ये आपके लिए भी उतनी ही जरूरी है। आप सोचिए अगर आपका बजट सही में 50-60 लाख के आसपास है तो ऐसी जगह ले सकते, अगर आपको और सिटी में चाहिए तो फिर 14 लाख वाली जगह है कहां पे आपको पता है, पता है क्या? अगर नहीं पता है तो वीडियो है वीडियो गैलरी में, जगह जो है ये आलंदी, पता है आपको आलंदी, चेक कर लीजिए गूगल के ऊपर सर्च कर लीजिए आलंदी पुणे स्टेशन से कितना है, तो वो आलंदी में भी आप 14 लाख की जगह ले सकते हैं, जैसे कि आपका एक 60 लाख का बजट है एक इंडिपेंडेंट घर बनाने का, 60 लाख में से 14 लाख आप जगह में दे दीजिए, बाकी का जो है वो इन्वेस्टमेंट बोले तो कंस्ट्रक्शन के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते आपका खुद का घर। अगर आप सोचेंगे कि टिंगरे नगर में लेना है या विश्रांतवाड़ी में लेना है या आपको पुणे कैंप में लेना है तो यहाँ पे मिलेगा आपको, मगर ये स्लिम एरिया में मिलेगा, कल्याण नगर के पास लेना है तो आपको स्लिम एरिया में मिलेगा, विमान नगर के पास भी है संजय पार्क, बहुत सारे जगह है, मगर आपको मिलेगा ना तो दिल में आपके नहीं बैठेगा। देखिए वही परेशानी, झगड़ा तंटा परेशानी ये चलने वाली है, क्योंकि झोपड़पट्टी में आपने मकान बनाया है, झोपड़पट्टी में आपने इंडिविजुअल घर बनाया है तो पार्किंग की समस्या होने वाली है, फोर व्हीलर तो छोड़ दीजिए, दूर तक वो फोर व्हीलर का संबंध नहीं है पार्किंग से, क्योंकि टू व्हीलर को जगह नहीं मिल रही तो फोर व्हीलर को कहाँ पे। अभी आप जो है ये सनसवाड़ी के अंदर और एक जगह मैं बताता हूँ आपको, 4,80,000 वाली जो प्लॉट है उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको टू व्हीलर फोर व्हीलर सब कुछ पार्किंग आपको मिलती है, मगर यहाँ पे जो है आप इन्वेस्टमेंट अगर 4,80,000 का करते हैं तो आपका बेनिफिट यहाँ पे काफी होने वाला है। और उसके बाद में अगर आप जो चाहते हैं कि हमारा घर यहाँ पे हो ये सनसवाड़ी 4,80,000 वाली जगह पे, तो शाहिद भाई का नंबर दिया है, आप खुल के उनको कॉल कर सकते हैं। अगर ये 4,80,000 वाली नहीं चाहिए, हैवे से शाहिद भाई का और मेरा एक वीडियो भी था, वो भी अगर आप देखेंगे 5,30,000, देखिए 5,30,000 वाली शिकरापुर के बाजू में थोड़ा सा हैवे टच ही है, मिस 5 किलोमीटर नहीं ये जगह 1 किलोमीटर है, सॉरी मैं एक ही बोलने वाला हूँ, यही चल रहा था कि उन्होंने बोला 500 मीटर दूर हैवे से, मैंने बोला 1 किलोमीटर, तो साहब 1 किलोमीटर हैवे से एकदम करीब, क्योंकि वहां से आपको हैवे भी दिख रहा है, नगर रोड का हैवे दिख रहा है,
तो वो 5,30,000 रुपए प्रति 1,000 एक घंटे की जगह है, और उसका जो है 7-12 है सामूहिक मीन 11 लोगों में खरीदी खत मिलने वाला है। जितने आपको एविडेंस चाहिए, पेपर चाहिए, ये सब कुछ आपको मिल रहे। देखिए मैं एक ही बात करूंगा कि आग बन करके किसी के ऊपर भरोसा मत करो, पेपर देखो। यहाँ पे हम आपको 7-12 बता रहे हैं, खरीदी खत बता रहे, सब कुछ तो आपको मिल रहा है, फिर फिकर क्यों करना। हाँ, और बहुत सारे डेवलपर, हाँ अपना इसमें भी था कि स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बोला था कि मूर्ख बनते जा रहे हैं। तो ये जो डेवलपर होते हैं, बहुत सारे लोग पावर ऑफ अटर्नी कर देते हैं, वो अपने को गधा मूर्ख ये सब कुछ बना देते हैं, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, ढूंढते रह जाते हैं कि यार वो किधर है, क्या है, बेच के तो भाग गया, अब अपनों को ही भुगतना है, वो मिलती जगह नहीं मिलती, मालिक दूसरा होता है, बहुत प्रॉब्लम। तो चलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, ये अगर आपको सच में जगह लेना है तो आप शायद भाई को कॉन्टेक्ट कीजिए, नंबर दिया है। आज का हिंदी का वीडियो कैसा लगा, क्या लगा आप तसल्ली से बता सकते, खाली इंटरटेनमेंट मत कीजिए, आप वाकई में जाके ये प्लॉट देखिए, सनसवाड़ी, शिकरापुर, आलंदी, रांजनगांव, ये तरफ आपको प्लॉट मिलने वाली। मिलता हूँ फिर से आप नई एक प्रॉपर्टी की जानकारी, और बोलते ना मराठी में माहिती लेके, तो कहाँ पे, इसी पुणे प्रॉपर्टी व्यू चैनल पे। तब तक जय महाराष्ट्र और जय जय पुणे।